यह जो बस पलटी हुई है यह मांडर प्रखंड में संत मारिया स्कूल का बस है जिसमें 60 से अधिक बच्चे ट्रेवल कर रहे थे। स्कूली बस का ड्राइवर अधिक तेज रफ्तार से बस चला रहा था और चुनद गांव के पास यह घटना घटी। इसमें बैठे 18 से 20 बच्चे घायल हैं जिन्हें मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभिभावक सड़क पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ अभिभावकों का कहना है कि बस चालक नशे में था और यह बस रात में बारात लेकर गई थी, जिसको लेकर के अभिभावकों में आक्रोश है और उन्होंने कहा कि कैपेसिटी से ज़्यादा इस बस में बच्चे रहते थे जो हमें घटना है। हमारे बच्चे लोग कहाँ पर हैं? 8:30 बजे 8:30 बजे के है। ये बस स्कूल के लिए है और ये मान लीजिए सुनने में आता है कि किराया में ले देता था। हाँ, में आता नहीं है, चलाता है हमेशा ही रात में चलता है गाड़ी रात। और कितने बच्चे लोग घायल हुए हैं? करीब 18-20 बच्चे जो है कि घायल हुए चोट है। बाद बाकी सबको हल्का हल्का चोट लगा है लेकिन 18-20 बच्चा को ज्यादा। लापरवाही किन पर माना जाए? लापरवाही स्कूल प्रबंधन पर। तो इस पर जो है कि कार्रवाई किया जाए? एकदम जरूर होना चाहिए। ये हम जनता से बात कर रहे हैं अभी रूरू। गाड़ी का कैपेसिटी से भी ज्यादा बच्चा बैठाता है जी, सीट से जस्ट दुगुना बच्चा को बैठा के ले जाता है जी। इसका शिकायत हम लोग पहले भी स्कूल प्रबंधन से किए हुए हैं जी, लेकिन हम लोग का गार्जियन का कुछ नहीं सुनता। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं होता, बस में देखने तक नहीं देता है गार्जियन को, कहता है गार्जियन बस में नहीं चढ़ेगा, उसको नहीं देखना। हमेशा इस स्कूल का जी। ये घटना कब बजे की है? ये घटना लगभग अभी से 1 घंटा पहले, वही 7 से 7:15 के बीच का घंटा था। तो ये बस आ रही थी ना सर, ये रात को बस बच्चा लोग बोला है और बस आ रही थी और पलट गया बस। बच्चा लोग से बयान सुने हम लोग कि बोल रहा था कि रात में चला, पूरा नींद में था ड्राइवर, ये रात में भाड़ा खटा है, शादी में गया हुआ है, नशा में था, पूरा स्पीड में गाड़ी चलाया है ये बस में जाना है और ओवरलोड तो बच्चा लोग रहता ही है कि धीरे धीरे गाड़ी टाइम पकड़ने के चलते, स्कूल का टाइम पकड़ने के चलते। कितने बच्चे लोग घायल हुए होंगे? घायल लगभग 25 से 26 बच्चे लोग घायल है जो मांडर से मिशन स्कूल मिशन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। सबको यहाँ से भेजा गया है, प्राइवेट गाड़ी से एम्बुलेंस आया, सब भेजा गया है। तो इस पर आप प्रिंसिपल पर क्या कहना चाहते हैं? प्रिंसिपल या प्रशासन से हम लोग को कहना है कि जो गाड़ी स्कूल पे चलती है वो ना तो भाड़ा में चलना चाहिए, उसको किसी भी शादी ब्याह में कहीं भी प्रशासन देखे उसको तुरंत जब्त कर ले जी। बस यही हम लोग का मांग है, कहीं भी हो जो भी स्कूल बस है वो शादी में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पहुँचा है अगर बच्चा प्यासे है तो क्या चीज पिएगा उसमें? स्कूल बस का चेक होना चाहिए, स्कूल का जो बस अभी स्पीड भी कम है, स्कूल बस का चेक होना चाहिए। सब में ओवरलोड चलता है बच्चा, जिसका 30 बच्चे का कैपेसिटी एक सीट में, 5 बच्चा बैठता है उभरता सारा बच्चा। थोड़ा गाड़ी जोर मत चलाओ लेकिन फिर भी गाड़ी पकड़ने के चलते वो लोग टाइम पकड़ने के चलते ये लोग रात में किराए में देते हैं, उसके बाद सुबह जो है कि स्कूल के लेके चलते हैं। बराती गया, बारात में गया, बारात गए हुए थे, रात भी गया था, रात जागा, ड्राइवर भी था और नशा में भी था। तो इस पर जो है कि माने कानूनी कार्रवाई किया जाए, एकदम कार्रवाई की जाए। अभी बच्चा ही इतना 60 बच्चा था, अगर किसी का जान चला जाए तो क्या जिम्मेवारी कौन आता है? हम लोग तो स्कूल के भरोसे बच्चा को भेज देते हैं कि भाई उसका पूरे का पूरा सेफ के चलते हम लोग बस किए हुए हैं, नहीं कि हम लोग सेफ के चलते बच्चा को स्कूल बस में भेजते हैं। ये जगह क्या है? ये चुंद का चुंद बस्ती है ये।